नमस्कार दोस्तों, एसपी स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से बीएससी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर फर्स्ट केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन पेपर नई शिक्षा नीति के अंतर्गत है। दोस्तों, नई शिक्षा नीति जो लागू हुई थी वो 2020 में यानी NEP 2020 में लागू हुई थी और NEP के अंतर्गत सभी विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम सेम कर दिया गया था। तो आप चाहे जिस विश्वविद्यालय से हों, सभी के लिए आज की क्लास सफिशियंट होगी और इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। जैसा कि आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि पेपर में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, साथ ही साथ ये देखने को मिलेगा कि कितने नंबर का आपका पेपर कराया जाएगा, पेपर कितने नंबर का रहता है, पेपर टाइटल क्या होगा और साथ ही साथ पेपर का पैटर्न कैसा रहेगा। ये सभी अगर आप तैयारी करने से पहले, सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले अगर आपको पता चल जाता है तो आपका एक प्रकार से थोड़ा कॉन्फिडेंस जो होता है वो बढ़ जाता है और उस कॉन्फिडेंस के साथ अपनी तैयारी आप बेटर ढंग से कर पाते हैं। तो इसीलिए आज मैं आपके लिए बीएससी का सेमेस्टर फर्स्ट केमिस्ट्री का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर के आ गया हूँ। ये क्वेश्चन पेपर 2022 सत्र का है। दोस्तों, नई शिक्षा नीति यहाँ पर आप देख सकते हैं 2020 लिखा हुआ है और मेजर और माइनर ये दोनों के लिए। अगर आपने केमिस्ट्री को मेजर विषय के रूप में चूज किया है तब भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा, अगर आपने माइनर के सब्जेक्ट में चुना है तब भी आपके लिए यही सिलेबस होगा। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर हैं। अब बात कर लेते हैं कि बीएससी के फर्स्ट सेमेस्टर में जो आप लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे उसका पेपर टाइटल क्या होगा और कितने नंबर का पेपर रहेगा। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं पेपर कोड दिया गया है 20201010T। ये आपका पेपर कोड है और यही कोड सभी विश्वविद्यालय के स्टूडेंट में मिलेगा। अब बात करते हैं पेपर टाइटल की, यानी कि आपके बुक का जो नाम होगा वो होगा फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। ये आपके बुक का नाम है। एक ही पेपर होगा आपके सेमेस्टर फर्स्ट में। बीएससी के फर्स्ट ईयर में दो सेमेस्टर में एग्जाम होंगे। सेमेस्टर फर्स्ट जिसका पेपर मैं दिखा रहा हूँ जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री, और इसमें आपको 3 घंटे का समय मिलेगा। कुछ विश्वविद्यालय में 2 घंटे का समय पेपर हल करने के लिए मिल रहा है। मैक्सिमम मार्क्स जो आपका सबसे महत्वपूर्ण पहलू है वो मार्क्स है, वो 75 मार्क्स, 75 नंबर का आपका पेपर लिखित होगा और इसमें 25 नंबर जो ऐड होंगे वो आपके मिड टर्म और प्रैक्टिकल के होंगे। यानी टोटल अगर पूर्णांक की बात करें तो 100 नंबर है, थ्योरी आपकी 75 की होगी और 25 नंबर आपका होगा प्रैक्टिकल का। क्लियर है? तो आपको पता चल गया पेपर क्या कितना होगा। एक पेपर होगा सेमेस्टर फर्स्ट में, पेपर टाइटल क्या है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री, और इसका जो मैक्सिमम मार्क्स है वो कितना है 75 है। ठीक है, तो ये लिखित प्रकार का पेपर है। अब आपके जो प्रश्न मिलेंगे आपको पेपर में वो 3 सेक्शन में विभाजित होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। ए वाले में वेरी शॉर्ट प्रकार के प्रश्न होते हैं, बी में आपके जो पूछे जाएंगे वो शॉर्ट प्रकार के प्रश्न होंगे और सी में आपके लॉन्ग टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए हम सेक्शन वाइज इसको डिस्कस करते हैं। सेक्शन ए जिसको खंड आ कहते हैं और इसमें दिया गया है कि अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 50 वर्ड, यानी 50 शब्दों में आपको सेक्शन ए वाले प्रश्न के उत्तर देने हैं। ठीक है, यहाँ पर 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो पूछा गया व्हाट इज ए ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे हिंदी में कहते हैं परिचालन, परिचालन निकाय क्या होता है। हालांकि आप लोग इंग्लिश में ही समझते होंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। अब कुछ स्टूडेंट के मन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन आ गया होगा कि केमिस्ट्री में ऑपरेटिंग सिस्टम यानी ये कंप्यूटर का कहां से क्वेश्चन पूछ लिया गया है। देखिए दोस्तों, आपका जो फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री है उसमें एक यूनिट यानी यूनिट नंबर 7 जो है वो बेसिक कंप्यूटर सिस्टम का होगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर प्रश्न पूछे जाएंगे ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडो से पूछे जाएंगे, डॉस क्या होता है, लिनक्स क्या होता है, ALU क्या है, यानी कि बेसिक कंप्यूटर सिस्टम से पूछ सकता है इनपुट आउटपुट डिवाइस को लेकर के। ठीक है, चलिए तो क्लियर है इतनी चीज़ें। दूसरा प्रश्न आपका मिल जाएगा, इसमें है d/dx(ex)sin(x) = क्या होगा। देखिए दोस्तों, अब आपने ये सोचा होगा कि इसमें मैथ का क्वेश्चन कहाँ से आ गया। आपका 8वां यूनिट फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री का 8वां यूनिट मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ केमिस्ट्री है, जिसमें आपको
मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन मिलेगा, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, प्रॉबिलिटी का क्वेश्चन मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है दोनों में से, इतनी चीज क्लियर होगी। अगला प्रश्न देखिए सी नंबर, जो कि पूछा गया था कि ड्रॉ चेयर एंड बोट कन्फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन के कुर्सी एवं नाव कन्फॉर्मेशन को प्रदर्शित कीजिए। ये आपका यूनिट नंबर 6 स्टीरियो केमिस्ट्री का प्रश्न है, जिसमें साइक्लोहेक्सेन के कुर्सी एवं नाव कन्फॉर्मेशन को पूछा जाता है, और ये हर बार एग्जाम में पूछा गया 2022 सत्र से लेकर के 2024 सत्र तक कर दोस्तों आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसके बाद मैं आपको और पेपर भी सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। डी वाला देखिए, क्वेश्चन नंबर डी पूछा गया था कि डिफ्रेंशिएट द कॉन्फिगरेशन एंड कन्फॉर्मेशन, कॉन्फिगरेशन और कन्फॉर्मेशन में विभेद करना, अंतर करना पूछा गया है, ये डी वाला प्रश्न है। और ई नंबर है डिफाइन द रिजोनेंस एनर्जी, अनुनाद ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। आपका यूनिट नंबर 1 जिसमें है पोलराइजेबिलिटी, ठीक है, मॉलिक्यूलर पोलरिटी एंड बी केमिकल फोर्सेस, ये आपका पहला यूनिट है जिसमें आपको देखने को मिलेगा। पहला जो टॉपिक है वो रिजोनेंस अनुनाद का है, तो अनुनाद क्या होता है, अनुनाद ऊर्जा क्या होती है, ये दोनों पूछा जाता है। और यहाँ पर पूछ लिया गया है अनुनाद ऊर्जा को, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, दोनों में से एक का आना हर साल तय होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था एफ नंबर प्रश्न में डिफाइन द काइलरिटी, यहाँ पर है काइलरिटी की परिभाषा परिभाषित कीजिए, काइलरिटी को परिभाषित कीजिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है एग्जाम में दोस्तों। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन लग रहा है किसी भी टॉपिक में या पेपर पैटर्न को लेकर के, किसी भी प्रकार की समस्या है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन को लिखिए, मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करूंगा, ठीक है। जी नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट इज द हेट्रोलाइटिक फिशन, हेट्रोलाइटिक फिशन को कहते हैं विषम विजलन, ठीक है, विषम विजलन, हेट्रोलाइटिक और होमोलाइटिक, ये दोनों फिशन पूछ लिए जाते हैं, कभी कोई दोनों पूछा जाता है, यहाँ पर पूछा गया विषम विजलन यानी हेट्रोलाइटिक फिशन क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त ये आपके एग्जाम के लिए। अगला देखिए, पूछा गया था एच नंबर, डिफाइन द मीसो कंपाउंड, मीसो यौगिक को परिभाषित कीजिए, मीसो यौगिक हर बार पूछा जाता है। अगर आप 2022-23 सत्र का क्वेश्चन पेपर उठा करके देखेंगे, हमारे मॉडल पेपर को देखेंगे आप लोग, तो ये सारे क्वेश्चंस आपको मॉडल पेपर में दिखने को मिल जाएंगे, यानी कि जो मैं मॉडल पेपर आप लोग के लिए कंडक्ट करता हूँ उसमें से दोस्तों 98% क्वेश्चंस आने की चांस होते हैं और आते भी हैं, ठीक है। तो एच नंबर तक क्लियर है आपका। अब आई नंबर क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है कि व्हाट डू यू मीन बाय द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, प्रभावी नाभिकीय आवेग से क्या समझते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी बार बार रिपीट होता है, ठीक है। तो ये आपके वेरी शॉर्ट प्रकार के कुछ प्रश्न थे। लास्ट आपका जे नंबर बचा है जिसमें पूछा गया था कि ड्राइव द शेप ऑफ SF6 विद द हेल्प ऑफ वेस्पर थ्योरी, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी जो है, इस सिद्धांत के अनुसार आपको SF6 के आकृति को बता रहा है, इसकी आकृति कैसी होगी, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए पूछ लिया गया है वेरी शॉर्ट में, लेकिन ये क्वेश्चन आपको शॉर्ट टाइप में मिलेगा या कभी कभी लॉन्ग टाइप में मिल जाता है, लॉन्ग वाले सेक्शन में पूछा जाता है वेस्पर थ्योरी का प्रश्न, ठीक है, जिसमें BBT आपका बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, MOT मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये तीनों महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए अब हमने सेक्शन ए के प्रश्न की चर्चा कर ली है, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेक्शन नंबर बी के प्रश्न को, कि सेक्शन बी में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सेक्शन बी में आपके दोस्तों 5 क्वेश्चंस यहां पर करने हैं, अटेम्प्ट 5 क्वेश्चन, 5 प्रश्न हल करने हैं, गिव आंसर प्रत्येक का उत्तर आपको देना है, कितने वर्ड में, 200 शब्दों में इसका उत्तर करना होगा, ठीक है। चलिए अब पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका होगा, दूसरा प्रश्न यहाँ पर है कि राइट ए नोट ऑन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन के अस्थायित्व पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ये स्टेबिलिटी का क्वेश्चन है और एग्जाम में बनने की संभावना रहती है, तो ये आपका वेरी शॉर्ट वाला पहला प्रश्न है। अगला है डिस्कस द वांडरवाल फोर्स, वांडरवाल बल की चर्चा कीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों, वांडरवाल फोर्स, ठीक है, ये आपके यूनिट नंबर 1 का हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वांडरवाल फोर्स, रिजोनेंस एनर्जी और फजांस रूल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं, और तीनों में ये चार टॉपिक है, चार में से दो टॉपिक का आना तय होता है,
तो वांडरवाल फोर्स क्या होती है, सबसे पहले तो आपको बताना है वांडरवाल बल, इसके प्रकार भी आपको बताने हैं क्योंकि शॉर्ट टाइप में पूछा है। तो प्रकार में तीन प्रकार के फोर्स आप इसमें जो है बताएंगे। पहला हो जाएगा इंट्रामॉलिकुलर, माफ कीजिएगा, इंटेक्शन, डाइपोल इंटेक्शन और लंदन फोर्स, ठीक है। तो इस प्रकार के जो है आपको देखने को मिलेंगे, इसका आंसर आपको लिखना पड़ेगा। चौथा है ड्रा द मॉलिकुलर ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम ऑफ B2, बहुत ही इम्पॉर्टेंट और लगभग 2021 सत्र से लेकर के 3 वर्षों में प्रत्येक वर्ष यह क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। वांडरवाल फोर्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसे MOT सपेक्स में लिखते हैं, मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, और यह क्वेश्चन सेम हुबू ही यही पूछा गया है कि ड्रॉ द मॉलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ B2, ओके। तो ये आपका सबसे महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखिए, जिससे पूछा गया पांचवा प्रश्न, डिस्कस द स्टेलर रूल, स्टालर नियम की चर्चा कीजिए, स्टालर का नियम पूछा गया है यहाँ पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगला जो है वह है राउट द राइट अबाउट पाउलिंग स्केल, पाउलिंग स्केल के बारे में बताना है। तो इन दोनों के बारे में अगर आप 100 वर्ड्स लिख देते हैं, दोनों में अगर आप 100 वर्ड्स लिख देते हैं तो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा, दोनों आपके महत्वपूर्ण हैं, ठीक है, स्टालर का रूल और पाउलिंग का स्केल, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सातवां आपका है डिस्कस द वेरिएशन ऑफ इनिशिएशन एनर्जी इन ग्रुप एंड पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी के समूह एवं आवर्त के आयनिक ऊर्जा के परिवर्तन को समझाइए, ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। तो यह क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं। और आपका तीसरा यूनिट यानी कि जो तीसरा यूनिट है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ SN(p) ब्लॉक एलिमेंट, इसी में से ये क्वेश्चन पूछा गया है। आठवां है व्हाट इज द DNL एंड RS नॉमन सिस्टम ऑफ नॉमन क्लेचर, ये नॉमन क्लेचर पूछा जाता है, DL और RS इन दोनों में से एक का आना 100% तय होता है एग्जाम में। यहाँ पर देखिए दोनों पूछ लिया गया है, ये दोनों महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट से, ठीक है। तो इसको आपको तैयार कर लेना है, आठवां टॉपिक। अब प्रश्न पत्र देखने से आपको टॉपिक समझ में आ रहा होगा कि कौन से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स को सबसे पहले आपको तैयार करना होगा। और सबसे पहले मैं क्लास में जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं उनको ही पढ़ाने वाला हूँ। स्टार्टिंग के लगभग एक महीने में मेरा प्रयास ये है कि केमिस्ट्री का जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स है जिनसे एग्जामिनर प्रश्न बनाता है, लगभग दोस्तों मेरे पास 4 वर्षों का अनुभव है और इस अनुभव को मैं आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। और इसमें मैं आपको सबसे पहले इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ाऊंगा जिनसे एग्जाम प्रश्न कंडक्ट करता है, ताकि आपका एग्जाम का जो सफर है वो पहले ही तय हो जाए, तैयार हो जाए, बाकी क्लियर जो बाकी की टॉपिक्स बचेंगे उनको बाद में हम क्लियर करते चलेंगे, ठीक है। नौवां प्रश्न है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफाइल्स, माफ कीजिएगा, क्वेश्चन है व्हाट इज इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स, इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही क्या होते हैं, इसमें आपको लिखना है। ये नवा प्रश्न आपका था जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये आपके शॉर्ट वाले। अब आपका सेक्शन सी आ जाता है, और सेक्शन सी में आपके जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जिनमें से पहले तो 2 प्रश्न करना होता था दोस्तों, अब एक ही प्रश्न आपको करना रहता है लॉन्ग वाले सेक्शन सी, ठीक है। और इसका आंसर आपको 500 शब्दों में करना होगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं सेक्शन सी के प्रश्नों को। यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न लॉन्ग सेक्शन का देखने को मिलेगा, व्हाट राइट ए नोट ऑन कार्बिन, कार्बिन पर एक टिप्पणी आपको लिखनी है, ये यहाँ पर पूछा गया है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर, जिसमें है कि डिस्कस द हाइड्रोजन बॉन्ड एंड इट्स वेरियस रूल, हाइड्रोजन बंध की चर्चा कीजिए और इसकी भूमिका निभाइए। देखिए लॉन्ग सेक्शन में 100% मैं गारंटी के साथ कहता हूँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग का प्रश्न आएगा, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता क्या है, इसके प्रकार या इसके वेरियस रोल पूछ लिए जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका 11वां प्रश्न हो गया। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 12, जिससे पूछा गया था कि डिस्कस द ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म इन ऑक्सोमिन, ऑक्सोमिन की ज्यामितीय समायवता को समझाइए। तो यहाँ पर आइसोमेरिज्म का टॉपिक पूछा जाएगा, ज्योमेट्रिकल पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा ज्योमेट्रिकल पूछा जाता है और यहाँ पर पूछा भी गया है। नेक्स्ट आपका आ जाता है 13वां प्रश्न, जिसमें है
कि डिस्कस द हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन को अति संयुग्मन कहते हैं हिंदी में। तो अति संयुग्मन से आप क्या समझते हैं, इस पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। ये आपका प्रश्न नंबर 13 है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के इसमें लॉन्ग वाले सेक्शन में 4 प्रश्न पूछे गए थे, 4 में से 2 का आंसर देना था। लेकिन अब आपके 2024 सत्र से केवल और केवल लॉन्ग सेक्शन में एक ही प्रश्न हल करना होगा और 15 नंबर का ये प्रश्न रहेगा, ठीक है। तो आप लोगों ने आज प्रश्न पत्र देखा केमिस्ट्री का, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, इनमें शब्द सीमा प्रश्न पत्र की क्या रहेगी, यानी किस सेक्शन में कितने शब्दों में आपको उत्तर देना रहेगा, कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, कितने प्रश्न का उत्तर देना है, पेपर टाइटल क्या है, कितने नंबर का पेपर होगा, ये सारी जानकारी आज आपको मिल चुकी। और मुझे आशा है कि आप सब इस जानकारी से संतुष्ट हुए होंगे और कुछ ना कुछ सीखने को आपको जानकारी मिली होगी, नया जानकारी मिली होगी कि इस प्रकार से आपको अपनी तैयारी करनी है, ठीक है। तो आज दोस्तों मैंने पूरा पेपर का एनालिसिस करा दिया। नेक्स्ट क्लास मैं केमिस्ट्री की फर्स्ट लेके आऊँगा, यूनिट नंबर फर्स्ट की क्लास, जो कि मेरा प्रयास है कि कल आपको शाम रानी की रात के 8 बजे से आपकी क्लास चलनी है। तो आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी प्रकार से जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सब की क्लास आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर दी जाएगी बिल्कुल निःशुल्क, कोई भी पैसा आपको यहाँ पर पेमेंट नहीं करना है। इसके साथ ही साथ आपको PDF नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा। इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, SP Study Point, जैसे ही आप सर्च करेंगे यूट्यूब चैनल पर आपको मिल, माफ कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल पर, तो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल, जहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं और बिल्कुल मुफ्त में PDF को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।